अनलिमिटेड बुफे में खाना एंजॉय करना अगर आपको पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मुंबई के 7 ऐसे बुफेज जहां पर आप मन भर के खाने का स्वाद ले सकते हैं। बुफे का मतलब है एक जगह जिसमें इतनी सारी वैरायटी और ज्यादा करके अनलिमिटेड। और वैसे तो बहुत बुफेज है मुंबई में, लेकिन इन 7 रेस्टोरेंट्स ने इन्हें एक अलग लेवल पर लाया है। चलिए देखते हैं ये क्या क्या है। सबसे पहले चलते हैं गोविंदाज रेस्टोरेंट। ये जुहू के इस्कॉन मंदिर में है और इस्कॉन अपने राधा कृष्ण मंदिर के लिए जाने जाते हैं। तो इनका जो रेस्टोरेंट है गोविंदाज, सिर्फ वेजिटेरियन और सात्विक यानी कि बिना लहसुन प्याज वाला खाना सर्व करता है। यहाँ की सबसे स्पेशल बात है कि ये भारतीय खाने के साथ मेक्सिकन, इटालियन, थाई और चाइनीज खाना भी देते हैं। ये खाना पहले श्री कृष्णा को भोग के तौर पर चढ़ाया जाता है और फिर हमें परोसा जाता है। तो इसे बुफे के साथ साथ हम प्रसाद भी कह सकते हैं। सबसे पहले है वेलकम ड्रिंक। इनमें 3-4 वैरायटीज हैं। मिक्स जूस हो सकता है, मिल्क शेक हो सकता है, छास या लस्सी या फिर जलजीरा जैसा शरबत। ये रहे स्टार्टर्स, इनमें भी बहुत सारी वैरायटी है। ये है आलू, राज कचौरी, सफेद ढोकला, तंदूरी कॉर्न, चना चाट, कॉकटेल समोसा, पालक पनीर रोल, दही वड़ा और उसके साथ अचार और चटनियाँ। मेन कोर्स में है स्पगेटी, बैंगन मुठियानो साग, जोधपुरी आलू, नींबू पनीर, पालक कॉर्न सब्जी, थाई रेड करी, पूरी, चपाती, ब्रेड और पापड़। इन सब्जियों के नाम सुनकर तो मैं चौंक गई थी, क्योंकि इतनी अनोखी डिशेस और कॉम्बिनेशंस, वो भी सात्विक मतलब बिना प्याज लहसुन के, कभी सोचा नहीं था। ये है चावल का सेक्शन, इसमें है पुलाव, पनीर टिक्का बिरयानी, दाल और चिल्ला कड़ी। मीठे में है गुलाब जामुन, अंगूरी रसमलाई, केसर श्रीखंड, गुजिया, आइसक्रीम और कुल्फी। रोज इतनी सारी वैरायटी होती है और अनलिमिटेड खा सकते हैं और हर रोज का मेन्यू नया होता है। मेरे हिसाब से ये मुंबई के सबसे बढ़िया बुफेज में से एक है। यहाँ का खाना देसी घी में बनाया जाता है। ये ज्यादा मसालेदार नहीं है, फिर भी बहुत स्वादिष्ट है। ऐसी क्वालिटी और टेस्ट का सात्विक खाना मैंने और कहीं नहीं खाया। बुफे में आप राजभोग बुफे, महाभोग बुफे और बालक भोग बुफे में से चुन सकते हैं। यहाँ आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बुफे के आनंद ले सकते हैं और इनकी कीमत 400 से 700 के बीच होती है। वीकेंड और पब्लिक हॉलीडेज पर प्राइसेस थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। जब भी आप जुहू में आए या हरे रामा हरे कृष्ण मंदिर में आए तो ये खाना जरूर ट्राई करें। मुंबई का खूबसूरत नजारा देखते देखते स्वादिष्ट खाना खाने का मजा ही कुछ और है, खासकर सनसेट के वक्त सी लाउंज का हाई टी बुफे एंजॉय करते हुए। यह है मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल के अंदर और ये एक हाई टी बुफे है, यानी कि शाम के नाश्ते का बुफे। यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं चाय कॉफी के साथ साथ केक्स, पेस्ट्रीज, फ्रूट्स, मैकरोन्स, टार्ट्स, चॉकलेट्स और बहुत सारे मीठे की वैरायटी। इनके डिजर्ट सेक्शन में 20-25 अलग अलग डिजर्ट्स हैं और ये कितने अच्छे तरीके से सजाकर रखे हुए हैं। लेकिन सिर्फ डिजर्ट्स नहीं, और भी बहुत कुछ है यहाँ। चाट, स्नैक्स, पफ्स और सैंडविचेस भी। चाट का तो पूरा काउंटर है यहाँ और आप जो चाहें वो इनसे बनवा सकते हैं। सेवपुरी, भेलपुरी, पानीपुरी, जो भी। और आपको जो टॉपिंग्स चाहिए, ज्यादा तीखा या मीठा, ये सब भी बता सकते हैं। कुछ चीजें आपके टेबल पर आती है इस 3-tier चार्ली में। इसमें मीठा और नमकीन दोनों है। ये रहा दूसरा कोर्स, इसमें है पाव भाजी, हरा भरा कबाब, पनीर रोल और आलू। ये है सफेद ढोकला, खांडवी, कोतिम्बिर वड़ी, पात्रा। और हाइटी की सबसे जरूरी चीज चाय भी है। मसाला चाय, कॉफी, आइस टी, जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। ये अनुभव आप रोज दोपहर 3:30 बजे से 6 बजे के बीच एंजॉय कर सकते हैं। पूरे बुफे की प्राइस करीब 2,500 रुपए से शुरू होती है। अगर इस बुफे के साथ आप चार्ली भी लेना चाहते हैं तो उसकी कीमत है 4,500 रुपए। मेरे हिसाब से ऐसे व्यू और ऐसे माहौल में हाई टी का मजा ही कुछ और है। और सबसे खास बात है कि ये ताजमहल पैलेस के अंदर है, जो मुंबई का सबसे मशहूर और शानदार होटल है। तो यहाँ आना अपने आप में एक अनुभव है।
अगला बुफे इंडिया के सबसे बड़े बुफे चेन्स में से एक है। पूरे इंडिया में इनके 200 आउटलेट्स हैं। ये है बारबेक्यू नेशन। टेबल पर गरम ग्रिल रखने की शुरुआत बारबेक्यू नेशन से हुई। ये आपके टेबल पर ही सारे स्टार्टर्स ले आते हैं सीक के साथ और इस ग्रिल पर रख देते हैं। इस तरह से आपका खाना गर्मा गर्म रहता है और आप उसे आराम से खा सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि वो एक के बाद एक सीख लाते रहते हैं और हम इनका अनलिमिटेड मजा ले सकते हैं। ये है वेजिटेरियन में। यहाँ है मशरूम, कॉर्न, पनीर और अनानास की सीख। ये है केजून स्पाइस पोटैटो, राइस पेपर रोल्स और इनका मशहूर क्रिस्पी कॉर्न। यहाँ पर भी चाट का काउंटर है, सेव पूरी, दही पूरी, पानी पूरी, पापड़ी चाट और बहुत कुछ। ये रहा मेन कोर्स। सबसे पहले है ये सैलेड सेक्शन। इतने सारे सैलेड है यहाँ। आगे है सूप और सब्जियाँ। यहाँ है हक्का नूडल्स, हॉट गार्लिक सॉस, कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज सब्जी, कुरकुरी भिंडी, कोफ्ता। ये है दाल मखनी और दाल पंचरत्न। इसके साथ है सादे चावल और ये है काबुली चना बिरयानी। यहाँ पर है अलग अलग पापड़ और ब्रेड। और ये रहा डिजर्ट सेक्शन। इनमें से सिर्फ 2-3 डिजर्ट्स में अंडे का इस्तेमाल किया है, बाकी सब एगलेस है। और डिजर्ट्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि पेस्ट्रीज, ब्राउनीज, फ्रूट टार्ट, फिरनी, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, कटे फल भी है। इस बुफे की कीमत वेज और नॉन वेज के लिए अलग अलग है और लंच है या डिनर है उसके हिसाब से भी अलग प्राइस है। यहाँ खाने के लिए पर हेड 700 से 1000 रुपए लगते हैं और ये अनलिमिटेड बुफे है। पर आप जब भी यहाँ आए, यहाँ के रेट्स चेक करके आए, क्योंकि कई बार कुछ ऑफर शुरू होती है, कुछ डील्स होती है जो जरूर चेक करनी चाहिए। अगर आपको एशियन स्टाइल का खाना पसंद है तो अगली जगह आपके लिए है। ये है ग्लोबल फ्यूजन। ये मेरा पर्सनल फेवरेट बुफे है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्विजींस है लेकिन ज्यादातर एशियन स्टाइल का ही खाना है और इनके एपेटाइजर्स की वैरायटी तो कमाल है। सिर्फ वेजिटेरियन में इनके पास 26 एपेटाइजर्स है और जो लोग नॉन वेज एंजॉय करते हैं उनके लिए 26 वेज एपेटाइजर्स और शायद उतने ही नॉन वेज एपेटाइजर्स भी हैं। ये है वेज स्टार्टर्स। पेपर मशरूम, ग्रिल्ड पनीर, अनियन पैनकेक, कॉटेज चीज केसडिया, कुंग पाव पनीर और कितने सारे हैं यहाँ, इनके नाम भी याद रखना मुश्किल है। यह है इनका सुशी सेक्शन और यहाँ पर है डम्पलिंग्स, मोमोज, बाउस। इनमें से जो भी एपेटाइजर्स आपको चाहिए वो चूज करके आप उन्हें बता सकते हैं और ये डायरेक्टली आपके टेबल पर आ जाएंगे, वो भी ताजा ताजा बने हुए। यह है इनकी डिमसम की कार्ट। ये टेबल से टेबल घूमती है और इसके ऊपर है अलग अलग डिमसम्स। आपके पसंदीदा डिमसम्स आप डायरेक्टली उठाकर गर्मा गर्म एंजॉय कर सकते हैं। इनका सैलेड स्प्रेड भी बहुत बड़ा है। कितने अलग अलग स्वाद है। ये है पास्ता सैलेड, हाई स्टाइल सोमताम सैलेड, कॉर्न सैलेड, इंडियन वाला सैलेड भी। ये है मेन कोर्स। इसमें है पास्ता, नूडल्स, ग्रेवीज की वैरायटी, इंडियन सब्जियां, दाल, रोटी और बहुत कुछ। और फाइनली है ये मीठे का सेक्शन, डिजर्ट सेक्शन। यहाँ पर है चॉकलेट पेस्ट्री, रेड वेलवेट, कैरेट केक, स्विस रोल, बंगाली स्वीट्स, गुलाब जामुन, आइसक्रीम और ये सारे डिजर्ट्स एगलेस है। मेरे हिसाब से ये बुफे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया है। वेजिटेरियन एपेटाइजर्स में मैंने इतनी वैरायटी और किसी बुफे में नहीं देखी है। इनकी वैरायटी और क्वांटिटी बहुत ही बेहतर है। खाने के हिसाब से और एम्बियंस के हिसाब से ये जगह काफी खास है। इस बुफे की कीमत लंच और डिनर के लिए अलग अलग है और हफ्ते के दिनों के हिसाब से भी अलग हो जाती है। लंच के लिए सोमवार से गुरुवार चार्जेस है 1037 रुपए और संडे को 1600 रुपए और ये बुफे अनलिमिटेड है। अगर आप एशियन खाने के फैन हैं तो इस बुफे में जरूर आए। डिनर के लिए अच्छी प्राइस में कुछ स्पेशल करना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। यह है सप्तमी रेस्टोरेंट। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है, हॉलिडे इन होटल में। इनका डिनर बुफे बहुत स्पेशल है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा स्प्रेड है और इसमें कभी कभी थीम बुफे भी रहता है। चलिए देखते हैं ये कैसा है। सबसे पहले है इनका चाट काउंटर। पानी पूरी, सेव पूरी, रगड़ा पूरी सब है यहाँ। और आगे है सूप सेक्शन। वेज में है लेमन पेपर सूप और नॉन वेज में है कॉर्न और चिकन सूप। आगे है अलग अलग चीज और क्रैकर्स और ये रहा सैलेड सेक्शन। यह एप्पल और पेयर सैलेड, कोल्ड पास्ता सैलेड, कैबेज, ब्रोकली और कॉर्न सैलेड। सप्तमी में वीकेंड्स पर थीम वाले बुफेज भी होते हैं, जैसे कि इस बुफे स्प्रेड की थीम है मालगुड़ी। उस वजह से इसमें बहुत से साउथ इंडियन डिशेस है। यह पोंगल, चना दाल, पायसम, इडली, रसम और यह है नॉन वेज सेक्शन। इसमें है मटन, चिकन और फिश वाली डिशेस। ये है नॉन वेजिटेरियन मेन कोर्स। इनमें इंडियन, मुगलाई, एशियन हर टाइप के आइटम्स आपको दिखेंगे। यहाँ पर है वेज सेक्शन। यह वेजीज इन हनी चिली सॉस, कॉर्न चीज स्टार्ट, महाराष्ट्रियन स्टाइल आलू सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, पनीर मखनी, टिंडली की सब्जी, थाई करी, टोफू इन हॉट सॉस, शेजवान नूडल्स, चावल, दाल और कड़ी। और यह है डिजर्ट सेक्शन। केक्स, पेस्ट्रीज, मैसूर पाक, पायसम, पोड़ीगे,
चॉकलेट रोल, टार्ट्स और ब्राउनीज भी है। यहाँ पर है आइसक्रीम और उनके टॉपिंग्स। इनमें से कुछ डिजर्ट्स में अंडे का इस्तेमाल किया है, लेकिन बिना अंडे वाले की भी अच्छी वैरायटी है, और मुझे इनमें से इंडियन डिजर्ट्स थोड़े ज्यादा अच्छे लगे। इस पूरे स्प्रेड में कितने अलग अलग प्रकार के क्विजींस हैं, मुगलाई डिशेस, एशियन डिशेस और ऑफ कोर्स साउथ इंडियन भी। इस वजह से इस बुफे का मजा और भी बढ़ जाता है। इस डिनर स्प्रेड की कीमत है 1,900 रुपए। अगर आपको ऐसी वैरायटी का खाना पसंद है और ऐसी थीम वाली बुफे में दिलचस्पी है तो सप्तमी रेस्टोरेंट के डिनर बुफे जरूर ट्राई करें। अगर आप भी मेरी तरह मानते हैं कि दिन की शुरुआत हेल्दी और भारी नाश्ते से होनी चाहिए तो अगली जगह आपको पसंद आएगी। यह है लोटस कैफे, JW मैरियट होटल के अंदर का कैफे, और यहाँ है इनका अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट बुफे। अलग अलग फल, सैलेड, चीज और कोल्ड कट्स। ये है सीरियल काउंटर, यहाँ है कॉर्नफ्लेक्स, म्यूसली, चोकोज और ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर है गर्मा गर्म नाश्ते के आइटम्स। इसमें बहुत से इंडियन डिशेस है जैसे कि उसर, छोले, उपमा, इडली, पोहे और पोंगल, और मेड टू ऑर्डर अंडे, डोसा और पराठा काउंटर भी है। यह है इनका पेस्ट्री सेक्शन। इसमें है मफिन्स, डोनट्स, क्रोसॉन्स और केक्स, लेकिन बाकी के बुफे से ये सेक्शन मुझे थोड़ा सा छोटा लगा। इस ब्रेकफास्ट बुफे में इंडियन और वेस्टर्न दोनों प्रकार के डिशेस है, लेकिन ज्यादातर इंडियन ही है। ये बुफे हर सुबह 7 से 11 के बीच शुरू रहता है और इसकी कीमत है 1,500 रुपए। अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी का ब्रेकफास्ट एकदम अच्छी जगह पे खाना चाहते हैं तो JW मैरियट के लोटस कैफे में ये ब्रेकफास्ट बुफे जरूर ट्राई करें। मुंबई में वीकेंड पर करने के लिए बहुत कुछ है, उनमें से एक है संडे ब्रंच, और अगर ये एक 5-स्टार में हो तो मजा ही आ जाए। यह है हिल्टन होटल का ब्रासरी रेस्टोरेंट, और यहाँ पर है संडे दोपहर 12:30 से 4 के बीच ब्रंच बुफे। इस बुफे में बहुत से वेजिटेरियन डिशेस है। यह है सैलेड सेक्शन, यह है फिश मशरूम और कॉर्न सैलेड, हवाइन सैलेड, लैम्ब और पोटेटो सैलेड, चिकन, जुकीनी और ऑबजीन सैलेड, मोजरेला सैलेड भी है, वेजी ग्रिल सैलेड भी है, और अब आई चाट। इतना बड़ा स्प्रेड है ये, वो भी इतनी वैरायटी के साथ, वेज और नॉन वेज दोनों में। ये मुझे बहुत पसंद आया। इस ब्रंच में ड्रिंक्स भी शामिल है, और वेज एपेटाइजर्स में है ग्रिल्ड कॉटेज चीज और शामी कबाब्स। ये है नॉन वेजिटेरियन सेक्शन, यहाँ पर है गोश्त पुलाव, चिकन करी, फिश, लैम्ब स्ट्यू, रोस्टेड चिकन, कीमा मटर, मुर्ग रुबानी, और ये है चिकन मंचाओ सूप। वेजिटेरियन में है अनियन एंड थाइम सूप, दम का कद्दू, और यह है पनीर की सब्जी, मूंग मेथी सब्जी, अनारदाना वाले आलू, पनीर केसरी पुलाव, दाल तड़का, चावल अचार, कुंभ भुट्टा मसाला, लहसुनी पालक, रोस्टेड बेबी पोटेटोज, स्पिनच एंड चीज कैनलोनी, ऑबजीन, मसमान करी, हाका नूडल्स और स्टर फ्राइड सब्जियां भी है। वेजिटेरियन मेन कोर्स में इतनी वैरायटी और इतनी अनोखी डिशेस है, ये बात मुझे पसंद आई। यह है डिजर्ट स्प्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज, बालूशाही, बूंदी लड्डू और चीज केक्स है यहाँ। अंडे वाले और एगलेस डिजर्ट्स दोनों का अच्छा मिक्स है। मेरे हिसाब से इस स्प्रेड में स्टार्टर्स थोड़े कम है, लेकिन मेन कोर्स में बहुत ज्यादा वैरायटी है। इटालियन डिशेस, थाई डिशेस, मुगलाई डिशेस और इनका सैलेड स्प्रेड। अगर आपको ऐसी वैरायटी चखना पसंद है तो आपको ये बुफे पसंद आएगा। इस परफेक्ट संडे ब्रंच की कीमत है 2,950 रुपए। इन सारे बुफेस की प्राइसेस अलग अलग दिनों पर और समय के हिसाब से बदलती रहती है, तो आप यहाँ जाने से पहले वो जरूर चेक करें। और इनके मेन्यू में भी हर रोज बदलाव आते हैं, तो शायद आप जब जाएंगे तो उनका स्प्रेड थोड़ा सा अलग हो सकता है। इनमें से कौन सा बुफे आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप ट्राई करेंगे, ये मुझे कॉमेंट्स में बताएं। और इन सभी के लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ शेयर भी करें। अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।